मानव सभ्यता बहुत तेजी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में निरंतर प्रगति कर रही है, चाहे वो मार्स पर जाना हो या सौरमंडल के किसी भी प्लेनेट के बारे में जानकारी पाना हो। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े स्पेस मिशन में पूर्व सदी के महान वैज्ञानिकों का थ्योरी और सिद्धांतों का सहायता लिया जाता है। उन वैज्ञानिकों के जन्म और मृत्यु के सहयोग को जानेंगे। अपने सदी का एक महान खगोलीय वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन के आविष्कार से पहले ही ग्रहों और उल्का पिंडों के गति के बारे में बता दिया था, उनका मृत्यु 8 जनवरी को हुआ था। उसी दिन सदी का एक और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म हुआ था, जिन्होंने कई भविष्यवाणी किए जो आज सही साबित होते हैं, और उनका मृत्यु 14 मार्च को हुआ था। और अपने सदी का एक और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में कई थ्योरी और सिद्धांत दिए। उनका एक सिद्धांत E=MC² बहुत ही प्रचलित है। मार्स को एनर्जी में और एनर्जी को मार्स में बदला जा सकता है। इन महान वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर अंतरिक्ष का अनगिनत रहस्यों को सुलझाने में भविष्य के वैज्ञानिकों को सहायता मिलती है।